हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे मोस्ट एक्सक्लूसिव जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल मुंबई टूर। अच्छा, और कह रहे हैं लग्जूरियस मॉल इन इंडिया, ऑफ इंडिया। चलो यार देखें, हमने नहीं देखा जबकि हम मुंबई गए भी थे घूमने, ज्यादा मॉल्स में पर हमने मॉल में, हमें तो मेन था कि जितना ऋषि को दिखा सके जल्दी से जल्दी वो दिखा दें। देखिए, पर उस वो मुंबई तो हम लोग तब गए थे वो जब ऋषि छोटा था, इस बार ही नहीं गए थे हम, उससे पहले वाले में गए थे जब ऋषि काफी छोटा था। अल्टीमेटली 5-6 साल बाद अगर हम जाते हैं, जब भी जाते हैं, तो हमें मॉल्स देखने पड़ेंगे क्योंकि इंडिया के मॉल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि वो एडवांस जगह हमें जाके देखनी पड़ेगा। सब कुछ उल्टा बुल्टा हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जब हम लोग गए थे ना इंडिया, इस बार ही नहीं, इससे पहले जो अभी रिसेंट ट्रिप किया था, मिकल से पिछले साल किया था हमने शायद, उससे पहले, वो बहुत सालों पहले होगा, तब ऋषि छोटा सा था, तो अब मॉल बनने शुरू हुए थे। मुझे याद है गुड़गांव में तब मॉल बन रहा था, नोएडा में मॉल बन रहा था, दिल्ली में एक दो मॉल्स थे जो बने हुए थे, पर वो मतलब वो बीच में कहीं, जैसे कौन सी जगह है ये वसंत कुंज के पास कोई एक मॉल बना हुआ था, वो बने हुए थे पर वो मतलब उस टाइप के स्केल के नहीं बन रहे थे इतने बड़े बड़े, क्योंकि वो पहली सिटी के अंदर बने हुए थे। तो मेन मॉल्स जो थे वो अभी वो शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल्स। अब देखो क्या हुआ है, अब ये वीडियो देख के पता चलेगा। कुछ अराउंड 7,500 स्क्वायर फीट की स्पेस। अरे वाह। और जानते हैं मंथली रेंट कितना है? नहीं, एलवी का हमारे कौन से मॉलों में होता है? मैंने तो नहीं देखे, ना कोलोराडो में था, ना यहाँ पे डेनवर में। डेनवर बड़ी मतलब वेरी नाइस। इन्होंने सिटी कौन सी बताई थी? मुंबई। कसी आहे पब्लिक, कल था 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे और कल शाम को मुंबई में तो लग रहा है कि 5-star होटल है, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट, तो दुबई का मॉल लग रहा है, मॉल आप कह लीजिए। दिस इज द जियो वर्ल्ड प्लाजा एंड टुडे इट इज 1st November, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। और आपके सामने आमची मुंबई से द बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया, द मोस्ट प्रीमियम, आपके लिए जिसका ब्लॉग नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, मेरी कोशिश यहाँ पे कोई ऐसा मॉल नहीं देखे, अब लोकल मुंबई के व्लॉग्स आए, तो फिलहाल मैं जियो वर्ल्ड प्लाजा के अंदर ही हूँ। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वेगस और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरा इंटीरियर मैं कोशिश करूंगा आपको वो भी दिखा पाऊँ, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। बट आप ये देखिए, होटल लग रहा है, लास वेगस के होटल्स नहीं होते हैं। द वर्ल्ड प्लाजा, भाई साहब इंटीरियर देखिए, इतना बड़ा फिश टैंक आपको सुंदर यहाँ देखने को मिले। मॉल का नाम क्या है? प्लाजा, अगर आप देखोगे आपको देखेंगे 3 floors, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, यहाँ मैं आपको खड़ा हूँ, देखो ये पेंटिंग, यही तो सुंदर लग रहा है, ये बड़ा दिस इज हैशटैग, देखो जो डिजाइन ऐसे टर्न होता हुआ बना दिया वहाँ पे रास्ता, अलग अलग स्टेट्स के जो बैठ के खाइए, मतलब आइकॉनिक हिस्टोरिकल प्लेसेस जो मॉन्यूमेंट्स वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे बस रेस्ट के लिए बैठे हैं, सिटिंग एरिया है। देखो बिकॉज़ मैं सुबह बहुत जल्दी आ गया हूँ, 11 बजे हैं मॉल के टाइमिंग्स हैं, सुबह 10 से रात को 10, ओपन एवरी डे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, और जो थर्ड फ्लोर आप देख रहे हो उस तरफ मैं बता दूं दैट इज फॉर मूवीज, पीवीआर वगैरह सब फिलहाल ओपन नहीं है, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। बट आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये ग्राउंड फ्लोर का टूर है, और आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना बड़ा फिश टैंक, भाई साहब बिकॉज नया है, कल यहाँ पर इतने सेलिब्रिटीज थे, मैं चाहता था आना बट हो नहीं पाया, खैर कोई बात नहीं। वॉशरूम्स वगैरह वो भी वहाँ पर आप देख सकते हो, कोशिश करेंगे, दिखाया तो था इन्होंने भी पूरा की पूरा दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको पूरा सन्नाटा दिखेगा बिकॉज पब्लिक के लिए अभी ओपन किया गया है, सिमिलर मतलब उसी, ये बहुत सही है, मेकिंग इट पार विद द होल वर्ल्ड, प्रमोटिंग द लोकल टूरिज्म। आई गेस यहां पर भीड़ आएगी तब देखना होता तब बड़ी, जब हमने नोएडा नूडा के, नोएडा नहीं वो कौन सा वसंत कुंज या वसंत विहार ऐसी जगह पे थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, वो नॉर्मल थे, वो खास नहीं लगे थे सब कुछ। पूरा आप देखिए, मतलब देखो कितने अच्छे, मतलब
आर्किटेक्चर हैंडल बाय द आई गेस द यूएस द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पूरा कोशिश करेंगे आपको टूर यूएस में भी होते हैं पर वहाँ पे ब्रश है ना खुला खाली अभी तो और सुंदर लग रहा है। बात करेंगे सब कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखा। जियो वर्ल्ड प्लाजा की बात करें तो इसका एरिया टोटल बता दो 750,000 स्क्वायर फीट, मतलब जितना आप देखोगे और कितने ब्रांड्स आपको मिलेंगे आई गेस मोर देन 65 ब्रांड्स सारे ब्रांड्स हैं। पूरी तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा ब्रांड सारे। अभी क्या है ग्राउंड फ्लोर जियो ने बनाया है स्टोर ओपन है और अगर आप देखोगे फर्स्ट फ्लोर मतलब फिलहाल कुछ ही स्टोर्स ओपन है, धीरे धीरे टाइम लगेगा जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा। अब फील आ रही है यूएसए के मॉलों जैसी। प्लेस इज फॉर यू मुंबई लग रहा है अब तक एक ही मॉल में स्टोर्स आया ना फील हो रहा है। हाई स्ट्रीट फीनिक्स लोअर पर देखो कितना सुंदर लग्जरी मिलती थी अब आपको लग्जरी मिलेगी यहाँ पर द जियो वर्ल्ड प्लाजा। बहुत ही अच्छा जितने ब्रांड्स यहाँ के मॉलों जैसा ही लग रहा है और कुछ कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं ब्रांड भी वही है तो ऐसा लग रहा है अपने किसी मॉल में घुसे हैं। वो तो है वो तो आप खरीदने का सोच ही नहीं सकते। रोलेक्स वगैरह का भी होगा आप देखो ना भाई साहब बल्कि इंडिया में ज्यादा फायदा है दोनों तरह के। वाओ नाइस रिलेटेड हो शूज रिलेटेड हो आप बात कीजिए फैशन की क्या चमक रहा है वो स्टोर आपको यहाँ। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर टूर दे रहा हूँ आजियो लक्स का देख लीजिए। एक यहाँ पर पूरा पूरी तरह से स्टोर नहीं है जस्ट अ पॉपअप एक छोटा सा टूर आपके लिए क्या है ये देखिएगा मैंने आपसे कहा जियो वर्ल्ड प्लाजा इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। अगर आपको लग्जरी पसंद है आपके पास बजट अच्छा है देन दिस प्लेस बजट अच्छा हो तो सबके लिए तो अलग ही बातें आती है देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन बिकॉज ऑफ दिस इंटीरियर वो तो दिख ही नहीं रहा इतना चमक रहा है इतना चमक रहा पता ही नहीं चल रहा है शीशा का है चीजें का मिनिमम कॉस्टिंग आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लोगे मिनिमम स्टार्टिंग में आपको बता दूं जो मुझे पता लगा है स्टाफ से दैट इज 35,000 रुपीज। यस 35,000 रुपीज इसका ये है लग्जरी देखो व्हाइट शूज क्या था अजियो व्हाइट शूज क्या तो कभी सुना ही नहीं अजियो। अगर जेब में है पैसा तो ये जगह है आपके लिए आते हैं मिनिमम 35,000 रुपीज यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज है बट नो इफ यू आर इन मुंबई इफ यू आर इन इंडिया नाउ दिस प्लेस द जियो वर्ल्ड सेंटर इज फॉर यू। आई एम श्योर जब आप ये कैमरे पर देख रहे होगे कितना मस्त लग रहा होगा। अगर आप मुंबई से हैं एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग दिस प्लेस इज ओपन नाउ और अब मुझे आपको दिखाना है LV का स्टोर लुई विटन का चार गाला उन्होंने लिए हैं वो ही जैसे यूएसए में होते हैं वैसी स्टोर लग रहे हैं स्क्वायर फीट की स्पेस और जानते हैं मंथली रेंट कितना है LV का अभी आए नहीं ना लोग 41 लाख पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टोर LV का आपको मिलेगा यहाँ मुंबई में। तो अगर आप LV के फैन हैं आपको कहाँ आना है जियो वर्ल्ड प्लाजा ये रहा LV का स्टोर मतलब आप खरीद के भी जा रहा है बंदा उसके पास बड़ा पैसा है मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं तो आई वोंट मैं बस पैसा भी हूं मैं फिर भी ना करूं मैं दिमाग नहीं खराब मेरा देख रहे हो एकदम एकदम प्रीमियम क्वालिटी अब 40 हिंदी में लिखा हुआ है कहां लिखा है मैंने हर जगह हिंदी में लिखा है लिखा हुआ है वर्साचे हो रहा हाईएस्ट होगा सो दैट पीपल कैन प्रोनाउंस इट अच्छा के लाइंस इसके बिजनेस हिंदी में लिखा हुआ है गुड अलग ही चलती है कोशिश करता हूं अगर मैं आपको अंदर भी लाइट्स कितनी सुंदर है बट रोलेक्स मतलब BKC में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अच्छा सब कुछ मिल रहा है लोकेशन वगैरह बाकी सब डिटेल्स में आपको टिफनी लिखा है अभी आ रहा है टिफनी आएगा अभी खुलेगा मजा आ गया बट पूरा यूएसए वैसे ही लग रहा है शुरुआत हो चुकी है और बड़ा बड़ा में जैसे दुबई दुबई होता है वैसे लग रहा है आपको यहाँ और दिखाऊं ये है आपकी मेन एंट्री कहाँ है ये देखिए अच्छा यहाँ से आप एंटर होंगे वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया और फिर आप सिक्योरिटी चेक भी होता है फर्स्ट फ्लोर अब चलिए अब सोचो अभी ओपन हुआ है और पब्लिक देखो यहाँ पर आने बिल्कुल वैसे ही पूरे लिखे हुए ऊपर लगाया मेरे हिसाब से यहाँ पे हिंदी में दिखाने दे दिखा 50,000 1,00,000 का बिल कम से कम बनेगा 1,00,000 का यही सारे वो ब्रांड्स भी हैं लाजवाब। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जियो वर्ल्ड प्लाजा के लेवल 2 पर फ्लोर 2 पर। यहाँ पर ध्यान रखिए जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी इंग्लिश बोलता है
तो चीज को यहाँ पर आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये जो बनाया है ना, ये जो बनाई है, फोटोएं लगाई हैं, जो भी है बहुत सुंदर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने आपको बताया गुच्ची का लिखा भी था नीचे हिंदी में, पता चल जाए बोलते कैसे हैं। अच्छी फोटो एच डी में लेना चाहते हैं ना, 4K में आप लाइटिंग्स और आप यहाँ देखिए हिंदी में लिखने से पता तो चल, कहीं का तुम्हें भी नहीं पता चलता बोलना क्या। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पॉटरी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा किड्स वेयर सब कुछ, और यहाँ पर आपको पर्सनल सर्विसेज भी मिलती है, पोर्टर सर्विसेज हो गई वगैरह सब कुछ। ये देखो यहाँ पर काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, यहाँ पर शूट बान किड्स कुछ लिखा, पॉटरी बान, वो तो यहाँ का है, हाँ ये तो पॉटरी बान यहाँ का है, पॉटरी बान किड्स फॉर अ मोमेंट, आपको ऐसा फील होगा। सारे बाहर के ब्रांड्स हैं, मतलब भारत में यहाँ तो भैया करोड़पति वाले आओ, जिसमें अभी तो महज शुरुआत है ना, तो ज्यादा डिटेल्स सामने अभी जहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक्चुअली स्टोर आएंगे, पीवीआर के लिए, बट पीवीआर स्टोर धीरे स्टोर आएंगे, अभी ऐसे किया होगा, धीरे पीवीआर यहाँ पे होगा, वेरी गुड, सेम कॉन्सेप्ट है, मॉल में लगता है, मॉल में थिएटर तो होता ही है। कौन-कौन ये व्लॉग देख रहा है सर, कमेंट करके बताइए। नॉर्मली मैं आपको वॉशरूम दिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस इज द मेन का प्रोजेक्ट, टॉप लग्जरियस है, तो आपको जरा इसका मैं यहाँ पे मैं इनके कह सकते हैं वॉशरूम, और आपको दिखा रहा हूँ साफ सफाई, यहाँ बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से नहीं होता पड़ेगा, जो रिलायंस का स्टैंडर्ड है ना, बहुत बढ़िया, आप देखिए नया भी तो बने हैं, ये भी तो देखो ना, यहाँ पे होते हैं वॉशरूम, देखो हमारे कितने पुराने हैं, सालों सालों वाले हैं सारे मॉल, लाजवाब, मतलब मैं ये तो नए बने तो और भी बढ़िया, मॉल ऑफ एमिरेट्स, मतलब बिल्कुल ये मानिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो जब भी आप आ रहे हैं ब्यूटीफुल साफ सफाई सब कुछ बनाए रखिएगा, मार्बल आप देखिए पब्लिक के लिए टोटली ओपन कर दिया, सिर्फ सेपरेटर नहीं था यूएस में, वाकई में आप देखो जो है सेपरेटर पैटर्न दिया है, टेक्सचर दिया है, लेडीज का भी दिखा दो, सब कुछ आप देख सकते हो, लाजवाब, मतलब लेडीज का आपको पता है नॉर्मली मैं दिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस इज द लग्जरियस प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा चलिए आपको, मैंने मेन बाथरूम पहली बार, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग, ये तो मैं जितना घूमूंगा उतना कम है, आपको एक चीज बता दूं, आगे अगर आपको व्हीलचेयर एक्सेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्पेशल लिफ्ट भी मिलेगी, बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंट्री जो आप करोगे, एंट्री है गेट नंबर 6 और 7 से, ठीक है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और आप देखो शॉपिंग करते रहिए, पैसा लुटाते रहिए, मतलब इंटीरियर आप जितना देखोगे ना, इतना सुपर क्लास, जियो वर्ल्ड गार्डन हो गया, जियो वर्ल्ड ड्राइव हो गया, अब आपके सामने आया जियो वर्ल्ड प्लाजा, कमाल का था, कमाल का, बहुत बढ़िया था, एट पार विद टॉप मॉल्स ऑफ यूएस, मतलब जैसे आप अगर बोलो ना लास वेगस जाओ वहां पे, या लॉस एंजलिस चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, उनसे भी बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कितने सालों पहले, मतलब हम अगर 20 साल पहले आए थे, 20-25 साल तो हो ही गए हमें, उससे पहले के बने हुए हैं वो, तो ये तो भी नया बना है यार, तो सोचो यहाँ तो सही, पे सारे मॉल्स पुराने हैं, हाँ यहाँ सारे पुराने हो गए हैं, कोई 30 और कोई नया डेवलप को कुछ उसको करते नहीं, जैसा वो था तब से यहाँ पे मॉल्स डूब रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से मॉल्स डूबने लग गए, क्योंकि मॉल में शोरूम ही है, लोग जाते हैं देखते हैं शोरूम से, मगर खरीदते कहीं और से सस्ता मिलता है, तो हर जगह यही होने वाला है, दैट्स इट, दिस इज ओनली फॉर कि आपने घूमने जाना है तो आप घूमने चले गए, आपने विंडो शॉपिंग कर ली और कहीं और से खरीद के चले गए, और ये जो जैसे इन्होंने ये मॉल बनाया ना जिसमें सारे टॉप के ब्रांड्स हैं, यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही आएंगे, आम जनता तो आके खरीद नहीं सकती, तो वो अमीर भी वो हद के अमीर जो ऐसे मतलब लाखों का पर्स खरीद, हाँ लुई विटॉन का पता नहीं कितने लाखों का पर्स होता है, तो वो ही होगा धीरे धीरे, या फिर ऐसी बात नहीं अमीर नहीं, मगर यहाँ पर भी लुई विटॉन के आगे लाइन लगी होती है, हाँ, होती है बस। क्यों लाइन लगी होती है, क्योंकि वो स्टोर के अंदर एक लिमिट है, उससे ज्यादा लोग नहीं भर सकते, बस 4 या 5 कस्टमर्स को एट अ टाइम करेंगे, मतलब ये है कि उनका जैसे एक सेक्शन में जा रहे हैं बैग्स के, तो एक बंदा खड़ा होगा और एक बंदा ही होगा, मतलब जो खरीदने वाला है खरीदार एक होगा सेक्शन में और एक उनका अटेंडेंट होगा, जब वो वहां से हो जाएगा सेटिस्फाई तो दूसरे में जाएगा, तो बेसिकली हर सेक्शन में एक ही बंदा अलाउ करते हैं, उसके वजह से सब बार लाइनों में खड़े होते हैं, वो क्योंकि भैया एक तो निकलेगा तो दूसरा जाएगा, मतलब उनको यह है कि आराम से तुम शांति से करो बिना किसी भीड़ भाड़ के, मगर
आपको बहुत सारे लोग देखेंगे लाइनों में जो पैसा उजाड़ रहे हैं, तो शोशा बड़ा है, बहुत है। बहुत लोग यहाँ पे तो आम है, हर बंदे के पास होते लुई विटॉन के बैग। बहुत लोग होंगे जो साधारण सी, मैं साधारण यूज वर्ड कर रहा हूँ, जो साधारण सी गाड़ी में जा रहे हैं और लुई विटॉन है तुम्हारे पास, लुई विटॉन में तो वो उनके अपने डिसीजन है। आपको बहुत लोग नजर आ जाएंगे, आपको दिखेंगे, बहुत दिखेंगे, साधारण गाड़ी है, गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं, शनेल की इयर रिंग्स पहनी हुई, रियलिटी लाखों की, गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं मगर बैग जरूर होगा लुई विटॉन का। वो है यहाँ यूएसए में बहुत कॉमन है, अब धीरे धीरे इंडिया में भी यही क्रेज होने वाला है, देखते जाओ कि आ रहा है उबर से मगर होगा लुई विटॉन का बैग। पर वाह, मॉल कमाल का है, मजा आ गया देख के, ये देखो क्या कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।